मसला है और इसके ऊपर सरकार को सदन को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन 33 जवानों की परिस्थिति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री हसन खान। ठीक है, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऐसे प्रश्नकाल कैसे चलेगा? आप अपने को इससे जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। ठीक है तो आप इसको उठा लीजिए। ठीक है आप प्रश्न का शून्य ग्रह चलने दीजिए, उसको उठाइए, उसको भी उठा लीजिए। ठीक है, अब इस तरह आप बोलेंगे तो जो जिन्होंने नोटिस दिया उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपको भी बुला लेंगे, आपको बुला लेंगे, आपको ही बुलाएंगे। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ ठीक है श्री हसन खान। मैडम स्पीकर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया 0 आवर्स में बोलने के लिए। इससे पहले भी लद्दाख के बारे में मुझे आपने मौका दिया था, क्योंकि हालात वहाँ देखने के बाद जो हालात आज नजर आए वहाँ पर, वो लद्दाख की तारीख में आज तक कभी वाकया नहीं हुआ है। वहाँ इस वक्त जो मुसीबत का आलम बना हुआ है वो मीडिया ने भी देखा, और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर साहबान जो नुमाइंदे यहाँ से गए थे उन्होंने भी देखा, और जो वहाँ पर लोग मदद कर रहे हैं, खासकर सेना के, एयरफोर्स के, ITBP के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अपनी जगह वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मुसीबत वहाँ आई हुई है वो इनको भरपूर पूरा करने में बहुत ही मुश्किल है। वो इसलिए कि वहाँ पर इस वक्त दो चीज़ों की सबसे बड़ी शॉर्टेज है, वो है मैन पावर। जितने भी लेबर्स वहाँ पर काम कर रहे थे वो लेबर्स वहाँ से भाग निकले, और जितने मशीनरी की या कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत है वो वहाँ मिल नहीं रहा है, पहुँच नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी दोनों रास्ते जो है जो मनाली से आ रहे हैं, जो श्रीनगर से आ रहे हैं, वो रास्ते इस वक्त बंद है, और वहाँ के लोग इतने मुसीबत में पड़े हैं। मैडम स्पीकर, वहाँ पर आप अस्पतालों में जाके देखेंगे, ऐसे माएँ हैं जिनके गोद से, जिनके हाथों से बच्चे छीन लिए हैं सैलाब में, और जख्मी पड़े हुए हैं। ऐसे बच्चे अस्पतालों में मौजूद हैं, उनको बोलने दीजिए हसन खान साहब। ऐसे बच्चे इस वक्त अस्पतालों में मौजूद हैं जिनको अचानक रातों रात मुसीबत ने माँ बाप का साया हमेशा के लिए उठा के ले गए हैं। ऐसे घर हैं जहाँ न इस वक्त घर का निशान है, न घर वाले मौजूद हैं। ऐसे मजदूरों के कैंप हैं जहाँ अगर 200 काम करते थे तो उसमें से 20 या 30 जो है वो जिंदा निकले हैं, बाकी टनू मलबों के नीचे अभी दबे हुए पड़े हुए हैं। हम मशकूर हैं गवर्नमेंट के और खासकर पार्लियामेंटेरियंस का भी, जिन्होंने इस हाउस का बार बार इसकी तरफ अपनी हमदर्दी का और माली मदद का इजहार किया है, लेकिन जो कुछ करना है उसके लिए वक्त की बहुत कमी है, क्योंकि लद्दाख आइंदा 2 महीने के बाद फिर 7 महीने के लिए बंद हो जाएगा, दुनिया के हर हिस्से से, मुल्क के हर हिस्से से कट जाएगा। तो इस 2 महीने के अंदर हमारी गुजारिश है इस हाउस के थ्रू, आपके थ्रू, कि गवर्नमेंट जितना हो सके जल्दी करे, क्योंकि 2 महीने के बाद वहां कोई काम नहीं हो सकता है, फिर बर्फ पड़ेगी, फिर 0 टेम्परेचर होगा, और सारे रास्ते जो है हर तरफ से बंद हो जाएंगे। मैं आप सबका, इस खासकर इस हाउस का बहुत मशकूर हूं, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी हर एक ने हमदर्दी इजहार किया है, मदद के लिए आगे आए हैं, और खासकर जो फौज का वहां पर जो तैनात है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया श्री हमदुल्ला सईद। महोदया सदन के तरफ से कि लद्दाख में ले, जी हाँ जी हाँ, आप अपने आप जरा सा मुझे चला लेने दीजिए। नहीं अभी आप बैठ जाए, आप क्यों खड़े, अब तो बोलने दीजिए। ठीक है बैठ जाइए, स्लिप भेज करके एसोसिएट कर लीजिए, स्लिप भेज कर एसोसिएट कर लीजिए। कैसे सबको बोलना है? नहीं, पहले जिनका नोटिस है उनको बुला लेने दीजिए, जिनका नोटिस है उनको बुला लेने दीजिए। श्री हब्दुल्ला सईद, नथिंग बिल गोइंग रिकॉर्ड एक्सेप्ट फॉर श्री हब्दुल्ला सईद।
नाना जी विल गो रिकॉर्ड एक सेकंड और अब्दुल्ला शहीदी से ठीक है बैठ जाइए रघुवंश प्रसाद जी बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए ठीक है बैठ जाइए अच्छा बैठ जाइए अच्छा अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए चलने दीजिए शून्य प्रहर चलने दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक अरे बैठ जाइए रघुवंश प्रसाद जी आप नथिंग इज गोइंग इन रिकॉर्ड आप बोले जा रहे हैं रिकॉर्ड में जा नहीं रहा है बैठ जाइए Respected Speaker, nothing will go in record except for Honorable Shri Abdullah Saeed is saying. Respected Madam Speaker, I would like to. Respected Madam Speaker, I would like to draw the attention of the House that the Air India flight, which. Respected Madam Speaker, I would like to draw the attention of the House. आप बोलिए. Respected Madam Speaker, I would like to draw the attention of the House that the Air India flight which plied between Lakshadweep, my constituency, and Kerala has been discontinued and that has been stopped. And it has caused great inconvenience to the local islanders. The flight service in Lakshadweep was started way back in 1987. Since then, it has been 23 years of the inception of the Indian Airlines, the erstwhile Indian Airlines.